भाई वंस अगेन स्वागत है आपका एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम नजर डालने वाले हैं एक और टीम पे, देखने वाले हैं कि आईपीएल 2025 के लिए ये टीम कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, कौन से प्लेयर को रिलीज करेगी। और आज जिस टीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टीम है नन अदर देन आरसीबी उर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हमने ऑलरेडी सीएसके के रिटेन्ड और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पर नजर डाल ली थी, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम इस चीज पर नजर डालें कि आरसीबी आईपीएल 2025 के लिए कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करेगी, किन प्लेयर को रिलीज करेगी, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यहां पे पहले हम देखेंगे कि आरसीबी के पास कौन कौन से प्लेयर मौजूद थे आईपीएल 2024 में। और यहां पे मैं आपको यह भी रिमाइंड करा दूं कि हम जो सिनेरियो यहां पे लेके चल रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं कि चार प्लेयर रिटेन करने की आजादी तो मिलेगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उससे यही पता चला है कि मैक्सिमम चार प्लेयर ही आप रिटेन कर पाएंगे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले। रूल्स भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मैक्सिमम तीन ही इंडियन प्लेयर आप अपनी टीम के रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम दो ओवरसीज प्लेयर आप रिटेन कर सकते हैं, और मैक्सिमम एक ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर आप अपनी टीम में रिटेन कर सकते हैं। तो आओ यार आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि करंटली आरसीबी के पास कौन कौन से प्लेयर्स मौजूद हैं। यहां पे तीन कैटेगरी में मैंने आरसीबी के स्क्वाड को बांट रखा है, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। सबसे पहले देखें कि बॉलर्स ऑलरेडी आरसीबी के पास कौन कौन से मौजूद हैं, तो इनके पास थे आकाशदीप, अलजारी जोसफ, लोकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, टॉम करन, रीस टॉपली, हिमांशु शर्मा, विजय कुमार व्यशक और राजन कुमार। अब यहां पे ये सोचा जाए कि आरसीबी इन सभी बॉलर्स में से किसको रिटेन कर सकती है, तो भाई मुझको तो एक ही नाम यहां पे ऐसा दिख रहा है जिसको 100% आरसीबी रिटेन करने को देखेगी, और वो एक नाम है नन अदर देन मोहम्मद सिराज। कुछ लोग कहेंगे भाई यश दयाल को रिटेन करा जा सकता है क्योंकि पिछले सीजन में अच्छी खासी बॉलिंग कराई थी, कुछ कहेंगे व्यशक भी एक प्रॉमिसिंग बॉलर है, उनको भी रिटेन करा जा सकता है, लेकिन भाई सिर्फ बॉलर रिटेन नहीं करने हैं ना, अभी तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट बाकी है, बैटर्स की लिस्ट बाकी है। तो फिलहाल बॉलर से जिस एक बंदे को मैं रिटेन करने को देखूंगा वो है मोहम्मद सिराज। हां ठीक है पिछला सीजन बहुत ही शानदार नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्य यह भी है कि जैसे जैसे सीजन एंड हो रहा था सिराज की बॉलिंग में काफी सुधार देखने को मिला था। इवन हमें यहां पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद सिराज T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, हां बाद के मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन भाई T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्ट हुए थे ना। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज को आरसीबी रिलीज कर दे मुझे तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि मोहम्मद सिराज की पिछले आईपीएल सीजन में कैसी परफॉर्मेंस रही थी। 14 मैचों में लिए थे 15 विकेट, इकोनॉमी ठीक ठाक रही थी 9.19 की, जिसको हम थोड़ा सा बेकार भी कह सकते हैं, और बॉलिंग एवरेज भी बहुत ही डिसेंट रही थी 33.07 की। भाई जब आईपीएल सीजन शुरू हुआ था ना पिछला, तब तो मोहम्मद सिराज की इकोनॉमी कह लो, बॉलिंग एवरेज कह लो, एकदम भाई घटिया हो रखी थी, पर जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते गए सिराज ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हर कोई बोला अगर सिराज ने ये परफॉर्मेंस शुरुआती मैचेस से देना शुरू कर दिया होता तो आखिर में जाके आरसीबी को वो जो शानदार कमबैक करना पड़ा था ना उसकी नौबत ही नहीं आती, कब का आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी होती। चलो यार अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। एक प्लेयर तो हमने रिटेन कर लिया है मोहम्मद सिराज, अब देखते हैं कि जो अगली कैटेगरी है ऑलराउंडर्स की, यहां से हम कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं। और जो कंडीशंस है ना, तीन इंडियन प्लेयर्स वाली, दो ओवरसीज प्लेयर वाली, एक इंडियन अनकैप्ड प्लेयर वाली, उसका भी भाई हमको ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन को यहां पे ब्रेक नहीं करना है। तो ऑलराउंडर्स जो आरसीबी के पास फिलहाल मौजूद हैं, पहला नाम है ग्लेन मैक्सवेल, अगले हैं महिपाल लोमरोर, देन आते हैं कर्ण शर्मा, कैमरून ग्रीन, स्वप्निल सिंह, मयंक डागर और मनोज भांडगे। तो भाई देखो यहां पे दो नामों के बीच ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक है ग्लेन मैक्सवेल, दूसरे हैं कैमरून ग्रीन। अगर भाई तुम मेरा यहां पे ऑनेस्ट ओपिनियन लो ना, तो आज की तारीख में भाई मैं कैमरून ग्रीन पे मैक्सवेल के कंपैरिजन में ज्यादा भरोसा टिकाऊंगा। हां भाई मैक्सवेल बहुत बड़े मैच विनर हैं, लेकिन जैसा उनका फॉर्म चल रहा है, जिस तरीके से पिछले सीजन में उन्होंने आरसीबी के लगवा दिए थे, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो कोई ऐसा खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए, उसे देखते हुए कैमरून ग्रीन पे मैं ज्यादा भरोसा टिकाऊंगा, क्योंकि भाई 140 की स्पीड से बॉलिंग करा लेते हैं और उन्होंने भी आरसीबी के लिए आखिरी के कुछ मैचेस में शानदार बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसीलिए मैं मैक्सवेल से पहले कैमरून ग्रीन को रिटेन करना चाहूंगा। मैं आपको कैमरून ग्रीन की पिछले सीजन की परफॉर्मेंस भी वाकिफ करा देता हूं। कैमरून ग्रीन ने आरसीबी के लिए पिछले सीजन में बैटिंग में 13 मैचों में 255 रन जड़े थे, एवरेज ठीक ठाक रही थी 31.88 की, और स्ट्राइक रेट भी अच्छी खासी रही थी 143.26 की। वहीं बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में भी कैमरून ग्रीन ने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था।
था, 13 मैचों में 10 विकेट लिए थे, इकोनॉमी भी ठीक ठाक रही थी 8.62 की और बॉलिंग एवरेज रही थी 30.30 की। और भाई देखो यहाँ पे मुझको नहीं लगता कि किसी को भी ग्लेन मैक्सवेल के पिछले सीजन के स्टैट्स जानने की जरूरत है, सबको पता है भाई ना जाने कितने गोल्डन डक मारे थे, ना जाने कितने डक मारे थे, और अगर कभी रन मारे भी थे तो भाई बहुत ही मुश्किल से ऐसा कोई मैच रहा होगा जहां ग्लेन मैक्सवेल ने डबल डिजिट्स में रन मारे होंगे। भाई ऐसी नौबत आ गई थी कि ग्लेन मैक्सवेल ने खुद ही 20 सीजन कह दिया था कि भाई मेरे को बाहर कर दो, मैं टीम पे बोझ बन रहा हूं। तो ऐसे में एक बार फिर से आरसीबी मैक्सवेल पे भरोसा टिकाए, भाई मुझको तो मुश्किल लग रहा है। आप होते तो यहाँ पे ग्रीन को रिटेन करते या फिर मैक्सवेल को, जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में बता देना। अब चलते हैं भाई अपनी आखिरी कैटेगरी की तरफ, जो कैटेगरी है बैटर्स की। तो भाई यहाँ पे सच में बड़े बड़े नाम हैं, क्योंकि यहाँ पे फैफ डुप्लेसिस हैं, रजत पाटीदार हैं, विराट कोहली हैं, अनुज रावत हैं, दिनेश कार्तिक हैं, श्रेयस एस प्रभुदेसाई हैं, विल जैक्स हैं और सौरभ चौहान हैं। दिनेश कार्तिक ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन भाई पिछले साल खेल रहे थे इसलिए मैंने उनका नाम बता दिया। अब देखो भाई यहाँ पे जो कंफ्यूजन है ना, वो है विराट कोहली, रजत पाटीदार और विल जैक्स को लेके। डुप्लेसिस को 100% रिटेन नहीं करेंगे मैं कंफर्म हूँ। हाँ ठीक है भाई, फिलहाल एमएलसी में कमाल का फॉर्म दिखा रहे फैफ डुप्लेसिस, भाई हर मैच में रन मार रहे हैं सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए, टेक्सस सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं शायद वहां पे, तो वहां पे तो गजब की पारियां खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी यार 40 की एज में एक बार फिर से उन पे इतना भरोसा टिकाए आरसीबी कि उनको रिटेन करे बहुत मुश्किल है बाबा। हाँ मेगा ऑक्शन में अगर वो होते हैं तो वापस से खरीदने को जा सकते हैं, लेकिन रिटेन करने का जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई दो प्लेयर जैसा मैंने कहा ऑलरेडी उन्होंने रिटेन कर लिए हैं, कैमरून ग्रीन और मोहम्मद सिराज मेरे हिसाब से। अब अगर दो पोजीशन जो बची है ना, वहां पे मेरे हिसाब से विराट कोहली तो 100% रिटेन होंगे, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि भाई पिछले सीजन में ऑरेंज कैप जीत के आए हैं, 15 मैचों में 61.75 की एवरेज के साथ 154.70 की स्ट्राइक रेट के साथ 741 रन जड़ के आए हैं। अब अगर कोहली को रिटेन नहीं करेंगे तो भैया किसको करेंगे? पर फिर भी यहाँ पे एक स्पॉट तो बचता है ना, तो इस एक स्पॉट के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो भी सकता है, वैसे मेरे को तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं तो भाई सीधे रजत पाटीदार को शामिल करूंगा। हाँ ठीक है, पाटीदार की भी परफॉर्मेंस शुरुआत के 5-6 मैचेस के लिए पिछले सीजन में थोड़ी सी डाउन गई थी, लेकिन उसके बाद जब रजत पाटीदार फॉर्म में आए थे ना, तो भाई वो जो आरसीबी का शानदार कमबैक देखने को मिला था, एक के बाद ये लोग 7-8 मैचेस जीत गए थे, तो भाई उस कमबैक का सबसे बड़ा जो हीरो था ना, वो भाई दो पल के लिए विराट कोहली भी नहीं थे, वो थे रजत पाटीदार। जिस तरीके से भाई हर मैच में कभी 20-50 मार रहे हैं, 18-50 मार रहे हैं, 21-50 मार रहे हैं, हर मैच में जो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे थे, भाई अगर उस बंदे पे इस सीजन में भरोसा नहीं दिखाएंगे तो फिर किस पे दिखाएंगे? मैं अगर नंबर्स की बात भी करूं तो भाई पिछले सीजन में रजत पाटीदार ने आरसीबी के लिए 15 मैचों में 395 रन मारे थे, जबकि जैसा मैंने कहा शुरुआत के 5-6 मैचेस पूरे तरीके से फ्लॉप गए थे, डबल डिजिट स्कोर भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जब एक बार फॉर्म पकड़ा तो भाई 177.13 की स्ट्राइक रेट के साथ और 30.38 की एवरेज के साथ बंदे ने 395 रन जड़ दिए, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। तो मतलब आसान भाषा में बैटर्स की कैटेगरी में जिन दो बड़े नामों को मैं यहां पर रिलीज करने को देख रहा हूं, एक है फैफ डुप्लेसिस और दूसरे हैं विल जैक्स। देखो सबसे बड़ा जो मुझको कंफ्यूजन था वो था विल जैक्स, मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन में। तो इन तीनों में से जिस एक प्लेयर के साथ मैं आगे बढ़ा हूं वो है कैमरून ग्रीन, क्योंकि भाई बंदा जो है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में काम आ सकता है, एज भी भाई देखो कम है, तो लंबी रेस का घोड़ा भी बन सकता है आरसीबी के लिए। अब आप होते तो आप क्या किसी और प्लेयर को रिटेन करते? कि आप सिराज को रिटेन करते या नहीं करते, या फिर रजत पाटीदार को रिटेन करते या नहीं करते? तो आप यहां पे किन चार प्लेयर को रिटेन करते अपने नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने अपने चार नाम बता दिए हैं, मोहम्मद सिराज, कैमरून ग्रीन, विराट कोहली और रजत पाटीदार। फिर से भाई याद दिला रहा हूं, जो भी ये वीडियो देख रहा है भले ही आप आरसीबी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये बताने में क्या ही जाता है, अगर आप होते आरसीबी के डिसीजन मेकर तो यहां पे किन चार प्लेयरों को रिटेन करते, किन को रिलीज करते? जो भी आपका जवाब है, जो भी का जवाब है, चार नाम बताने हैं, सीधे कमेंट सेक्शन में आके लिख दो। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।